हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन इजी वे में कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ओके, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ओके? तो इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो जानते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पर एक्स का जगह क्या है 2x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे, 2x का दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, और उस 2 को लिखेंगे हम लोग डिवाइड में, तो ये हमारा आंसर होगा प्लस में c। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा cos 2x by 2 plus c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। तो cos 3x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, cos 3x, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस साइन x, बट x का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 3x है तो 3x लिखेंगे, एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन होता है 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, और वो 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कॉन्स्टेंट सी दे देंगे, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ, मीन्स cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन 3x बाय 3 प्लस में सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है e का पावर 2x। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x या फिर 2x, किसी का भी इंटीग्रेशन वही होता है, यानी e का पावर 2x का इंटीग्रेशन भी e का पावर 2x होगा प्लस में c, बट यहाँ पर क्या करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड में लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, और उसको हम लोग लिखेंगे डिवाइड में। ओके, तो ये इसका इजी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो पहले इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर को पहले इसको तोड़ते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग dx दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट बाहर ही रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 3 बाय 3, बिकॉज पावर क्या होता है, एक ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे भी आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर x का टर्म है, मीन्स यहाँ पर ab को हम लोग बाहर लिख देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड x का क्या हो जाएगा, x का पावर एक ऐड हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, और वो पावर नीचे भी। ओके, देन यहाँ पर बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर x का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर ओनली क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू में एक्स, और प्लस में सी कॉन्स्टेंट। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 ई टू डी पावर 3x, ई का पावर 3x। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, साइन 2x माइनस 4 ई का पावर 3x। ओके, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, मीन्स cos 2x, एंड 2x का तो हम लोग दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, उसको हम लोग लिखेंगे डिवाइड में। देन यहाँ पर 4 e का पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 4 कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और e का पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर 3x, बट 3x का दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, और उसको क्या कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में, ठीक है, और उसमें हम लोग प्लस
एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे प्लस सी। ओके तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है।